उसे तो आज के इस लिस्ट को बिना स्किप करे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि इससे आपको आसानी होगी कि आप कौन से मूवी को सबसे पहले वॉच करोगे क्या। तो सिर्फ 300 लाइक की छोटे से टारगेट के साथ वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट हॉलीवुड मूवीज के नाम मिलती है। मॉन्स्टर आखिर मॉन्स्टर ही होता है। डिफाइंग एक्स जो कि 2007 की बनी रोमांटिक और ड्रामा वाली फिल्म है, जो कि 5.8 की आईएमडीबी रेटिंग के साथ। इस फिल्म के अंदर कहानी में देखने को मिलती है हेनरी नाम की एक लड़की की स्टोरी, जो कि दुनिया के सभी जादूगरों को एक चैलेंज करता है कि अगर वो हेनरी की मरी हुई माँ के साथ उसकी बात करवा सके तो वो उन सभी जादूगरों को $10,000 देगा। ऐसे में मूवी के अंदर एंट्री होती है एक फीमेल जादूगरनी की स्टोरी, के मैजिशियन की स्टोरी, जो कि ये दावा कर सकती है कि वो आत्मा के साथ बात कर सकता है, मतलब कि कर सकती है, और वो आत्मा को देख भी सकती है। अब ऐसे में इस मूवी के अंदर ये देखने में बहुत ज्यादा मजा आ सकता है कि यार वही फीमेल जादूगरनी के हेनरी की मॉम के साथ एंट्री की बात करवा सकता है या फिर नहीं। आगे स्टोरी क्या होगा या इस मूवी का ना देख लेना कि किसके बाद मूवी की असली स्टोरी शुरुआत होती है। जंग ई, ये मूवी 2023 में आई है। ये एक साउथ कोरियन एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है, जिस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है 22nd सेंचुरी की, जहां पे पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया अर्थ पे और साथ में रिसोर्सेज लगभग खत्म हो गए। इसी वजह से इंसान स्पेस के अंदर शेल्टर्स बनाकर वहां पर रह रहे हैं, और समस्या उस समय शुरू हो जाती है जब इन लोगों के बीच में, मतलब इंसानों के बीच में सिविल वॉर शुरू हो जाता है, जिसको रोकने के लिए साइंटिस्ट एक बहुत एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट बनाते हैं। तो आगे क्या होता है आपको इस मूवी के अंदर देखना। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नाइट टीथ 2021 की बनी एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जो कि 85.7 की रेटिंग के साथ। इस मूवी के अंदर कहानी में देखने को मिलती है बेनी नाम की एक लड़की की स्टोरी, जो एक्चुअली एक कॉलेज स्टूडेंट होता है, लेकिन वो एक दिन अपने भाई के बदले वो ड्राइविंग के लिए निकल पड़ता है अपने शहर के अंदर। अब बेनी को दो लड़कियों को उसके पूरे शहर के अंदर घुमाना होगा। वो लोग अलग अलग जगह के अंदर जाएंगे अपने मकसद को पूरा करने के लिए, लेकिन ऐसे में बेनी को ये पता लगता है कि वो दोनों लड़की एक्चुअली वैम्पायर्स है, और वो दोनों लड़की अपने पूरे शहर के अंदर अपने राइवल्स को खत्म कर रहे हैं, जिसके बाद बेनी के साथ क्या होगा आगे, ये कहानी आप इस मूवी के अंदर देख लेना। मूवी की कॉमेडी सीन्स और इसका हिंदी डबिंग काफी ज्यादा बेहतरीन है। तुम जैसे किसी से पहली बार मिल रहा हूँ। नंबर 65 2023 की बने को एक्शन और साइंस फिक्शन वाली फिल्म है, जो कि 5.5 की आईएमडीबी रेटिंग के साथ। इस फिल्म के अंदर कहानी में देखने को मिलती है एक पायलट की स्टोरी, जो कि अपने पैसेंजर्स को लेकर उनकी मंजिल तक उन्हें पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि स्पेस में, लेकिन बीच रास्ते में कुछ एक्स इंसिडेंट हो जाती है, जिसकी वजह से उसी पायलट माइल्स को एक अनजान प्लेनेट के अंदर उनका स्पेसक्राफ्ट क्रैश करना पड़ता है। अब ऐसे में उस पूरे स्पेस स्टेशन के अंदर सिर्फ दो इंसान बच पाते हैं, पहला तो हमारा ड्राइवर माइल्स है और एक लड़की बच पाती है, और बाकी सब के सब लोग मर जाते हैं। लेकिन मुसीबत तब बढ़ जाती है जब वो दोनों जिस के अंदर क्रैश हुआ है उस प्लैनेट के अंदर बहुत सारे डायनासोर रहते हैं, लेकिन ऊपर से एक और मुसीबत है, जो कि आपको मूवी देखकर पता लग जाएगा। ऐसे में ये दोनों कैसे सरवाइव करते हैं या इस मूवी के अंदर देख सकते हैं। अच्छी खासी फिल्म है लिली लिली क्रोकोडाइल, ये मूवी 2022 में आई है। ये एक एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है, जिस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है क्रोकोडाइल की, यानी कि एक मगरमच्छ की, जो कि चल सकता है दो पैरों पर और साथ में ये गाना भी गा सकता है, बोल नहीं सकता लेकिन ये गाना गा सकता है। और ये एक घर के अंदर रह रहा है, जिस घर के अंदर रहने के लिए आते हैं नए लोग, मतलब वहां के नए मकान मालिक रहने के लिए आते हैं, और उनको पता लगता है कि उनके घर के अंदर एक मगरमच्छ भी रह रहा है, जिसके बाद आगे क्या होता है वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। वैसे ये मूवी सिर्फ बच्चों के लिए बनी है, बड़े लोगों को हो सकता है ये मूवी इतनी पसंद ना आए। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.1 आउट ऑफ 10 आईएमडीबी पर। लैंड ऑफ डेड 2005 के बनी हॉरर और साइंस फिक्शन वाली फिल्म है, जो कि 6.2 की ऑलमोस्ट आईएमडीबी रेटिंग के साथ। इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलती है कि हमारी जो दुनिया है वहां पर ज़ॉम्बीज का कब्जा हो चुका है। जितने भी लोग मौजूद थे वो ऑलमोस्ट एक वायरस की वजह से ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसमें जितने भी इंसान बचे हुए हैं वो एक जगह के अंदर बचने की कोशिश करते हैं, चारों तरफ एक दीवार खड़ी करके, लेकिन ये ज़ॉम्बीज जो है वो हरामी बहुत ज़रा होते हैं। ये लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, वो प्लान तैयार करते हैं उन इंसानों को मारने के लिए। एंड इसके बाद जो कुछ भी होगा वो भाई आप इस मूवी के अंदर जरूर देख लेना, मूवी तुमको देखने में मजा आ जाएगा। लेकिन मुझे भी अच्छा लगता है जब वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करते हो आपको किस तरह की मूवीज देखना पसंद है। इन माय ड्रीम्स ये एक रोमांस मूवी है, जिस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है नेटली और निक की, जो कि अक्सर सपने में आके एक दूसरे से मिलते हैं और इन दोनों को प्यार हो जाता है सपने में। कहने का मतलब यह है कि ये लोग असली दुनिया में कभी भी नहीं मिले, लेकिन सपने के अंदर ये दोनों एक दूसरे से मिलते रहते हैं। अब ये दोनों कैसे असली दुनिया के अंदर एक दूसरे को ढूंढते हैं वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.3 आउट ऑफ 10 आईएमडीबी पर। ओम बक 2 2008 की बनी को एक्शन मार्शल आर्ट वाली पिक्चर है, जो कहती है 6.2 की आईएमडीबी रेटिंग के साथ। इस पिक्चर के अंदर कहानी में देखने को मिलती है टीन नाम की लड़की की स्टोरी, जिसे एक लुटेरा एक डाकू पालता है अपने बच्चे की तरह, और इसके साथ साथ उसे हर तरह की मार्शल आर्ट और कुंफू वाली फाइट्स भी सिखाता है, जिसकी वजह से आगे जाकर वो उसकी जगह ले सके। लेकिन ऐसे में मूवी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसकी वजह से टीन को उसकी असलियत के बारे में पता लग जाता है कि किसी ने उसके पिता को क्यों कत्ल किया था। अब ऐसे में टीन एक बहुत ही पावरफुल इंसान बन चुका था, उसे हर तरह की फाइट्स आती थी, और इसी वजह से वो अपने कबीले के अपने लोगों की मौत का बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। पीपल
ये एक कॉमेडी मूवी है। जिस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक व्हाइट मैन की, जो कि एक ब्लैक लड़की से प्यार करने लगता है और ये दोनों शादी करना चाहते हैं। लेकिन समस्या बस इतनी सी है, दोनों की फैमिलीज बिल्कुल अलग है, अलग कल्चर से, इस वजह से कैसे ये लोग एडजस्ट करेंगे वही सबसे बड़ी समस्या है। तो आगे क्या होता है वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं।